गरीबा जिले से है, जहां एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव की पहल पर गत दिवस बेरोजगारों के लिए रोजगार शिविर का आयोजन कार्यालय परिसर में किया गया था, जिसमें लगभग 200 बेरोजगारों ने हिस्सा लिया था। उक्त शिविर के माध्यम से 21 बेरोजगारों का चयन हुआ, जिन्हें LNNT कंपनी में नौकरी मिली है। चयनित युवकों को रीवा से सिवनी भेजा गया, जहां से हैदराबाद जाएंगे। प्रशिक्षण लेने के बाद गांधीनगर में चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम करेंगे। उक्त टीम को रवाना करते हुए एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि पुलिस का भी दायित्व था कि बेरोजगारों के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें LNNT कंपनी ने 21 बेरोजगारों को नौकरी दी है, जिन्हें लगभग 18,000 मासिक सैलरी दी जाएगी। नौकरी पाने वाले छात्रों को सिवनी रवाना करने के लिए एडीजी ने उनके वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने आयोजित शिविर और चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में क्या जानकारी दी है। मुझे तो लगता है बहुत छोटी वाली कौन सी है? ये पिछले कुछ दिनों में हमने एक शिविर रखा था, ये रोज़गार शिविर, जिसमें रीवा के जो नए लड़के हैं उनको LNT में जो है नौकरी देने आने के लिए, तो 200 बच्चे आए थे, उसमें से आज कुछ बच्चे जो है तैयार हो गए, सो 21 बच्चे आ गए, तो उनको हम सिवनी भेज रहे हैं, वहाँ से फिर हैदराबाद भेजेंगे, फिर वहाँ से फिर वो लोग जो है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में गांधीनगर जाएंगे। तो इनको 18,000 मिनिमम से लेकर 30,000 तक इनको वो नौकरी पक्की दी जाएगी। तो आज इनको फ्लैग ऑफ किया, कमिश्नर साहब भी थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नए लड़कों को कुछ रोज़गार दिला जाए, थोड़ा पुलिस विभाग भी हम लोग भी कुछ करने के लिए कुछ आगे आ गए हैं, कुछ नहीं है।